सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार का कोई सदस्य इन दोनों सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा। दावा यह किया जा रहा है कि कांग्रेस वहां से नए उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। तो क्या कांग्रेस अपने किले के रूप में मशहूर दोनों परंपरागत सीट पर बीजेपी को यहां वॉकओवर देने जा रही है? क्या है ये पूरी खबर, एक रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस के गढ़ में गांधी परिवार का सरेंडर। क्या हाथ से निकली अमेठी रायबरेली सीट? वहां आपकी बार, कौन लगाएगा बेड़ा पार? लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश की दो लोकसभा सीटों अमेठी और रायबरेली को लेकर तरह तरह की अटकलें शुरू हो गई। ये कयास लगने लगे कि इन दोनों सीटों से कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे। क्या राहुल गांधी पांचवी बार लड़ने के लिए अमेठी आएंगे या फिर वो अमेठी का चुनाव मैदान खुला छोड़ देंगे? परंपरागत तौर पर इन दोनों सीटों को कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, क्योंकि गांधी परिवार के कई दिग्गज इसी सीट के रास्ते कई बार लोकसभा पहुंचे। लेकिन इस बार इन दोनों सीटों को लेकर जो खबर आ रही है वो आपको चौंका सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। दावा ये किया जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगी, तो राहुल इस बार भी वायनाड से लोकसभा पहुंचने का रास्ता तलाशेंगे। वायनाड से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का तो ऐलान हो भी चुका है। वहीं सोनिया गांधी पहले ही राज्यसभा के जरिए संसद पहुंच चुकी हैं। तभी ये साफ हो गया था कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, यानी अमेठी और रायबरेली की परंपरागत सीट पर गांधी परिवार इस बार किसी और को मौका दे सकती है। देखिए, हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं। कांग्रेस के हर स्तर की मीटिंग हो गई है, हम इंतजार कर रहे थे। अब हमारी जो उम्मीदवारों की सूची पूरे देश में है वो जारी हो जाएगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यहाँ लड़ने से पहले ही कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है? क्या दोनों परंपरागत सीटों पर उम्मीदवार गैर गांधी परिवार से उतरेंगे? क्या दोनों सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी को वॉकओवर दे दिया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 2019 के महामुकाबले में अमेठी सीट पर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को स्मृति ईरानी से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। राहुल की हार को 2019 के रण की सबसे बड़ी हार माना गया, क्योंकि इस हार के साथ ही ढह गया था कांग्रेस का सबसे मजबूत किला और टूट गई थी कांग्रेस की तमाम उम्मीदें और बिखर गया था पार्टी कार्यकर्ताओं का सपना। वहां न राहुल की रणनीति काम आई थी, न ही प्रियंका गांधी का करिश्मा कमाल दिखा सका था। गांधी परिवार पर जमकर प्यार बरसाने वाली अमेठी की जनता ने भाई बहन की जोड़ी से मुंह मोड़ लिया था। इस बार भी बीजेपी अमेठी से बड़ी और ऐतिहासिक जीत का दम भर रही है। हमारी बहन अति लोकप्रिय सांसद और मंत्री स्मृति ईरानी जी दोबारा ऐतिहासिक रूप से जीतेंगे। बीजेपी जीत का दम भर रही है तो कांग्रेस नेताओं को अभी भी गांधी परिवार के करिश्मे पर भरोसा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय तो कई बार राहुल से अमेठी के रण में उतरने की अपील कर चुके हैं। मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं, इस नाते मैं ये निश्चित कहूंगा कि वहां की जनता, अमेठी की जनता ये मांग कर रही है, डिमांड कर रही है, और हमारे कार्यकर्ता ने कहा है कि जो कमियां रह गई हम पूरी जान लड़ा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, और राहुल गांधी को हमको चाहिए। राहुल गांधी जी को हर हाल में हम लोग यहां से चुनाव लड़ाकर अब भारी से भारी प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताकर भेजेंगे। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में इंडिया गठबंधन के बैनर तले उतर रही कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली की जंग इतनी आसान भी नहीं, क्योंकि 2019 में रायबरेली में बीजेपी के
38% वोटों के मुकाबले कांग्रेस को 56% वोट मिले थे। तब एक बैनर तले उतरी एसपी बीएसपी ने कांग्रेस के समर्थन में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन इस बार बीएसपी अकेली ताल ठोक रही है। वहीं अमेठी में एसपी बीएसपी के समर्थन के बावजूद कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले करीब 6% कम वोट मिले थे। इस बार तो बीएसपी के वोट काटने का भी खतरा है। वहीं बीजेपी को भरोसा है कि विकास कार्यों की बहार जीत का परचम लहराने में उसके लिए मददगार साबित होगी। 10 साल पहले भारत में केवल 16% घरों में नल से जल पहुंचता था, आज के दिन 75% घरों में नल से जल पहुंच रहा है, और उत्तर प्रदेश में ऐसे लाखों घर में लाखों परिवारों के लिए नल से जल और प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मिले हैं। बहुत सारे लोकहित में निर्णय लिए गए हैं। कांग्रेस के लिए टेंशन ये है कि बीते कुछ सालों में यहां उसके वोट का ग्राफ तेजी से लुढ़का है, जबकि बीजेपी का ग्राफ तेजी से ऊपर गया है। रायबरेली में 2009 में कांग्रेस को 72% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी सिर्फ 16% वोट हासिल कर सकी थी। वहीं 2014 में कांग्रेस के 63% के मुकाबले बीजेपी को 21% वोट मिले, तो 2019 में कांग्रेस को 56% वोट मिले, जबकि बीजेपी 38% वोट हासिल करने में कामयाब रही। लेकिन सोनिया गांधी जीत कर संसद जरूर पहुंच गए, लेकिन अमेठी में लगातार घटते ग्राफ के बाद राहुल को शिकस्त झेलनी पड़ी। अब सबकी निगाहें 2024 के महामुकाबले पर टिकी हैं, जहां गांधी परिवार के रेस से बाहर होने की खबरें आ रही हैं। भैया राजनीति में अगर पर कोई जवाब नहीं, हम हर स्थिति में अमेठी राजनीति को जीतेंगे, 100% जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, जनता माननीय मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली में पांचवें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि यहाँ कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है। राहुल और प्रियंका के चुनाव लड़ने से मना करने के बाद कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में सफाया तय माना जा रहा है। हालांकि चाहते हैं लोग कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य इन दोनों के स्थान पर मैदान में उतरे, लेकिन ये सदस्य कौन होंगे, चेहरा कौन होगा, ये अभी तय नहीं है। ये भी माना जा रहा है कि गांधी परिवार के किसी करीबी को रायबरेली और अमेठी से दावेदारी दी जा सकती है। कैमरा सुगी अमर शाह के साथ विवेक त्रिपाठी, जी मीडिया, लखनऊ। जी न्यूज़।